बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मेरे वालों में देखने वाले सारे भैन भरावान अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे, आबाद रखे, थोड़े सारे दुख तकलीफां नूं दूर करे, सदा हसदे रहो, मुस्कुराते रहो। इस दुआ दे नाल अज दी वीडियो शुरू करदे आं। वीडियो शुरू करने तो पहले साडी रिक्वेस्ट, अगर तुसीं साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां सबसक्राइब कर लो, बैल दे बटन नूं जरूर दबायो ताकि साडी हर आने वाली वीडियो दा नोटिफिकेशन तुहानूं बर वक्त मिल जावे। ते अज दी वीडियो शुरू करदे आं। अच्छा जी, असीं जा रहे सी डॉक्टर कोल, मेडिसिन लैनी है मैं अपनी, मौज बेटा भी नाल जा रहा वा, तो मैं तो चलो मौज में नाल लै जाने, इन्हें भी डॉक्टर को दिखा लेंगे। नाले तो मेरे हफाज की टीका लगेगा, हफाज के टीके नाल तो बुखार भी हो जाता वा। चलो कोई नहीं, हांडी रोटी मैं कर लूँ। पिछली दफा जो टीका लगया सी ना, बहुत बाद दर्द करता से बुखार भी नाल हो गया सी, हो जाएगा बुखार। अच्छा चलो लगवाना तो है ना हुन। हाँ जी, हाँ जी, चलिए। हो गया तकरीबन 11 बज गए। नहीं जी, 11:30 हो गए। 11:30 तो 12 बज जाने हैं, अपने अपन जाने जाने हैं। ते मैं तैयारी कर ली है, मोइस बेटे ने भी और चॉइस साहब उन्होंने भी तैयारी कर ली है, पट्ठे वड्या है। ते हुन असीं चलदे हैं हॉस्पिटल। चलिए, वो तो तैयार। कैप ले लो ऊपर, आप ये ले लो। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ? ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾ ਲਿਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ। ਪਾਣੀ ਚੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਰ ਕੇ ਆਓ। ਮੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਜਾ ਚੱਕਣ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੈਦਲ ਆਇਆ ਉੱਥੇ। ਚਲ ਆ ਜਾ, ਪਾਣੀ ਚੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਣਾ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਜਵੇਬ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੇਲੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੇਬ ਖੋਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਕੇਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕੇ ਜਾਣੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਰੋ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਲਿਆ ਕਿ ਪੱਕੇ ਵੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਵੀ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਪੱਕੇ ਕਿਹੜੇ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਕਿਹੜੇ? ਰਲਵੇਂ ਮਿਲਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਆਹ ਪੱਕੇ, ਆਹ ਪੱਕੇ, ਇੱਕ ਲੈ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਟੋਕ ਛਾਪਣਾ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖਰਾਬ। ਛਾਪੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਹੀ, ਔਰ ਫਲੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਚੂਹੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਮੋਈਸ। ਬਾਲਟੀ ਛੋਟੀ ਨਾ, 2.5 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਤੋੜ ਕੇ ਬੇਟਾ ਮੋਈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਲਾ ਦੇਵੋ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਤੋੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਇਸ ਨੇ ਤੋੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਖਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਲਿਆ ਪੁੱਤ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੰਮਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਠਾਲ ਦੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਬਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਰਸੋਂ ਜਾਣਾ ਛਾਤੀ ਦੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਚਲੋ ਬਣਾ ਲਓ। ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਗ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਧਨੀਆ ਔਰ ਭੁੱਕਾ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿਗੋ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਦਰਕ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਗ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਰਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਗ ਕਰਾਰਾ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਆ ਲੱਗਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚਾਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਵੇਦ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ ਜਾਨਵਰ ਕੱਢਣ, ਅਤੇ ਮੋਇਸ ਬੇਟਾ ਵੀ ਜਾਗ ਗਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਇਸ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਹਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ,
मोइज़ नूं ना खांसी आ रही है तो इसलिए मोइज़ बेटा ना उठ गया वा। तो मैं क्या चलो मैं नाले चाय बना लैनी हाँ तो नाले मोइज़ बेटा ना थोड़ी जी गर्म गर्म निक्की निक्की चाय दिनी हाँ ताकि खांसी जड़ी है ना थोड़ी बहुत जड़ी रुक जाए। तो नहीं तो बहुत खांसी आती है। दवाई भी तो पापा लैके आए थे, दवाई भी दी है, लेकिन ना रात तो फिर भी सुकून ना रहा सी ते हुण खांसी छिड़ पई है। तो बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है, हल्की हल्की ना धुंद पई हुई है। तो अज यकम आ बारहवें महीने की पहली तरीक आ, तो धुंद ने तो आखिर आना ही आना वा, तो आके सर्दी जू आ। तो बाहर निकली सी ना मुँह धोन, तो देखा तो काफ़ी अज ना सर्दी बनी है, तो हल्की हल्की धुंद आई हुई है। अच्छा जी, अगला जो भी सीन हुआ मैं अपने देखने वाली भैन भाइयों नाल भी शेयर करूँगी। है बनती पी है चाय गर्मा गर्म। यह दूध दही बन गया हो तो हम मैं मधानी लगानी है। पहले मैं चलो चाय बना ला, उस तो बाद मैं मधानी लगा लैनी। अच्छा जी, मधानी मैं लगा ली है। तो जवेद गां चुक लैके आया, तो नाले मैं आटा गुन रही हूँ ताकि हिब्बा बेटी ने जाना वा स्कूल, उन्हें नाश्ता करके जाना होगा। दूध इतने एक सरा के रख लैनी है, आटा गुन रही। मेरे वास्ते भी रोटी एक पका लियो। पराठा रोटी नहीं, पराठा नहीं मैं खाना, लेकिन साग वाला पराठा मैं बहुत चंगा लगता, बड़ा खाने का मजा आता, पर खाना नहीं। नहीं नहीं, मैं सादी रोटी पका दे, ठीक है, रोटी खावे खा के जो बाद तंग होना फायदा। सर्दी बहुत ज्यादा, मेरा दिल करता हिबन कार से छड़े स्कूल। नहीं, बाहर अपनी चाची को, चाचू को धुंद पै गई। अज मैं अज ही पहला बारहवीं पहली तरीक यकम अज ही धुंद पै गई, शुरुआत कर ली धुंद ने, शुरुआत हो गई। बहुत सर्दी लग रही है। है कार स्कूल मैं तेरे चल कर दे कुछ सर्दी बटन बहुत क्या बिस्तरे चो बाहर नहीं निकलना, इन्नी खांसी है तेन, मैं स्कूल भेज देना नहीं तो तेन, जो तू इतने भी बाहर ही फिरना नहीं आखे लगना फिर रस खा ला, दवाई देव तेन भी वो पी, ठीक है ना। टीचर बहर बिठा दी, टीचर तेरी कॉल करते हैं, हम पुछते हैं बच्चे बहर क्यों बिठा दी इनी सर्दी। कंबल कढ़ियो इत्थों आ उपर उपर वाले। हाँ जी, मौज नूं बुखार आ ते ओह कमरे च पैंदा नहीं आ। हिबन मैं कंबल लिया के ओह छोटा लै गई है, सर्दी है वो नीचे ओदे पा दिंदी है ना। ये तो हम तुहानू पता होगा फुफो जी की, वो नहीं तबीयत ठीक। फुफो जी ने भुखे पेट ना गोलियां खा लिया। हम तबीयत बड़ी खराब आ। हाँ जी, चाचू फिर गल करते कहते जिन्हू हों हटने का ना ही नहीं लगा।
कंबले तो ऊपर थे ना वो ही अद्धा नीचे दे देना सीधे ऊपर दे देना सीधे उत्थू बहुत तंग करता राती भी तकरीबन तीन क बजे चिड़िया सी सुबह तक इस तरह ही रहा इस वास्ते मैं सीरप भी लैके कोई फर्क नहीं पाया वो बस स्कूल रहन दो स्कूल नहीं भेजना मुंह तो भी ले ला कंबल बेटा।